हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज का वीडियो थोड़ा ऑफ टॉपिक होने वाला है, यानी आज का वीडियो बेंटेन के बारे में नहीं होने वाला है, बल्कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत से एनिमेस के बारे में। और आज मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ एनिमेस के बारे में, यानी कुछ न्यूज़ के बारे में जो कि मुझे रिसेंटली मिली है एनिमेस के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और मैं बता दूँ जिन लोगों को नहीं मालूम एनिमे क्या है, तो एनिमे बेसिकली शोज होते हैं जो कि एनिमेशन में बनाए जाते हैं जापान के अंदर, जिनकी स्टोरीज कमाल की होती हैं। और मुझे मालूम है तुमने एक ना एक एनिमे तो देखी होगी, चाहे वो डोरेमोन हो, पोकेमोन हो, डीमन स्लेयर हो। तो चलो पहले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला न्यूज़ है वो आता है अपने ड्रैगन बॉल जी की तरफ से, यानी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की तरफ से। तो तुम लोगों को मालूम होगा कि बहुत सी न्यूज़ फैल रही है ड्रैगन बॉल की नई मूवी आने वाली है। तो मैं ये बता दूँ ये रूमर 100% ट्रू है, और हाँ मूवी आने वाली है। और इस मूवी का नाम होने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज़, और ये 2022 में आएगी, यानी अगले साल सिनेमास के अंदर। और ये ड्रैगन बॉल ने खुद कन्फर्म किया है, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एपिक है। अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगली न्यूज़ है वो है डीमन स्लेयर की तरफ से, और डीमन स्लेयर हम सभी को मालूम है कितनी एपिक एनीमे है, सभी को पसंद है। तो इसके बारे में जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि जो डीमन स्लेयर है उसको सीज़न 2 मिलने वाला है। अब तुम लोग को मालूम होगा सीज़न 1 कितना ज़्यादा एपिक था, इसका सीज़न 2 आने वाला है वो भी अक्टूबर में 2021, यानी अगले महीने, काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाला है। और इंग्लिश डब में हमें नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगा, और सीज़न 1 जिसने नहीं देखा नेटफ्लिक्स पे जाके देख लो, अवेलेबल है इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ। डब के साथ तो मुझे नहीं मालूम, पर सब टाइटल्स के साथ अवेलेबल है। अब चलो अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगली न्यूज़ है वो है पोकेमोन के बारे में, और एक नहीं यहाँ पे दो न्यूज़ हैं पोकेमोन के बारे में। और जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाली है, और दोनों रिलेटेड हैं नेटफ्लिक्स से। तो पहली न्यूज़ जो है मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। तो पहली न्यूज़ है पोकेमोन सीक्रेट ऑफ द जंगल्स के बारे में, यानी नई मूवी आने वाली है पोकेमोन की उसके बारे में। तो न्यूज़ ये है कि जो ये मूवी है इसका ट्रेलर नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुआ है इंग्लिश डब के साथ। तो ये हो सकता है ये मूवी हिंदी डब में हमें देखने मिले, पर इंग्लिश डब में तो हमें ट्रेलर रिवील देखने मिल गया है। हिंदी डब में मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही पहले एक बार हो चुका है, जब नेटफ्लिक्स ने एक मूवी दिखाई थी हमें पोकेमोन की 3D मूवी, यानी 3D मूवी जो आई थी वो भी हिंदी डब में रिलीज़ कर दी थी नेटफ्लिक्स, वो भी बिना किसी लीक और बिना किसी ट्रेलर के। यानी बहुत ही एपिक चीज़ थी, हमें देखने मिल गई थी मूवी जो कि उसी टाइम रिलीज़ हुई थी इंग्लिश डब के साथ साथ हिंदी डब में, उसी टाइम हमें देखने मिली थी। और ये काफ़ी ज़्यादा एपिक मूवी थी पोकेमोन की, और मुझे इसीलिए लगता है कि सीक्रेट्स ऑफ द जंगल भी आ सकती है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स के साथ आ रही है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगी। तो अब ये तो हो गई सीक्रेट्स ऑफ द जंगल की बात, पर जो दूसरी न्यूज़ है वो भी नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है, और वो न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा एपिक है। तो तुम लोगों को मालूम होगा पोकेमोन जर्नीज के बारे में, यानी जो पोकेमोन की अभी ऑनगोइंग सीरीज़ है। तो अब इसके बारे में न्यूज़ ये है कि ये इंग्लिश डब में हमें देखने मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने मिलने वाली है। तो शायद ये भी हो सकता है कि हिंदी में डब कर दें, अगर वो सीक्रेट्स ऑफ द जंगल को डब करती हैं तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वरना तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा, इंग्लिश डब के साथ देखना पड़ेगा। और वैसे ये सब तो रूमर्स हैं। चलो अब अगली स्टोरी के बाद बात करते हैं। तो अगली स्टोरी भी है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, और अगली स्टोरी आती है हमारे सबके फेवरेट माई हीरो अकेडमिया के ऊपर। तो माई हीरो अकेडमिया का तुम लोग को मालूम होगा 4 सीज़न आ चुके हैं, और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 5वां सीज़न भी आएगा, पर मैं ये बात कंफर्म कर लूँ क्योंकि 5वां सीज़न नहीं आने वाला है, क्योंकि जो 4 सीज़न है इसी के अंदर जो मांगा है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। मांगा बेसिकली कॉमिक्स होती हैं जो जापान में आई जाती है, जिनके ऊपर ये एनिमेशन यानी एनिमेस बनाई जाती हैं। तो मांगा पूरी सीज़न 4 के एंड में ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए नहीं देखने मिलने वाला है हमें कुछ भी आगे माई हीरो अकेडमिया के अंदर। तो बस इस छोटी सी वीडियो के अंदर सिर्फ इतनी सी बात थी, इतनी सी न्यूज़ थी जो कि मैंने तुम लोग को आज बता दी है, और ये काफ़ी ज़्यादा एपिक न्यूज़ थी। और अगर तुम्हें इनमें से एक भी न्यूज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे अपने थॉट्स बताना कमेंट्स में डीमन स्लेयर के सीज़न 2 के बारे में, पोकेमोन के दोनों न्यूज़ के बारे में, ड्रैगन बॉल की मूवी के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाली हैं यह सारी मूवीज़, और बताना कि एनिमेस के ऊपर मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं। जब तक के लिए बाय।